आज ये गंभीर स्थिति है, और हमें सबसे बड़ी चीज तो देखनी है कि हम आज केवल शहरी क्षेत्रों में ये टेस्टिंग हो रही है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी टेस्टिंग हो रही है, हमारे टेस्टिंग के क्या इक्विपमेंट है, हमारी क्या जो रैपिड टेस्टिंग के हुए क्या आ रहे हैं, कितनी कमी है। मध्य प्रदेश में तो 10 लाख में से केवल 10 लाख में से कुछ गिने चुनो लोगों का की टेस्टिंग होती है, मेरे ख्याल में 25 या 30 लोगों की टेस्टिंग होती है 10 लाख लोगों में से। तो दित्ता टेस्ट उत्ता करो ना, तो दित्ता टेस्ट कम करो उत्ता कम करो ना, दित्ता टेस्ट ज्यादा करो उत्ता ज्यादा करो ना। आज जो एक चिंता की बात है कि हम जो आंकड़े निकाल रहे हैं ये केवल लगभग शहरी क्षेत्रों के हैं, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नहीं है। मध्य प्रदेश में गांव में जो लोग बाहर काम कर रहे थे, मध्य प्रदेश घिरा हुआ है 5 राज्यों से, उन राज्यों से 25, 30, 35% लोग वापस आ गए, लॉकडाउन के पहले वापस आ गए, अपने गांव में हैं। क्या इन्फेक्शन लाए हैं, गांव में क्या टेस्टिंग हो रही है, हमारे कस्बों में क्या टेस्टिंग हो रही है, आज इसका तो कोई कह नहीं सकता, कोई आंकड़े नहीं है। और आंकड़े तो छोड़िए, हमारे टेस्टिंग किट नहीं है, टेस्टिंग किट नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग किट तो इंतजार कर रहे थे इसका ऑर्डर, तो जब राहुल जी ने कहा था 12 फरवरी को, जब पूरे विश्व में इसकी चिंता हो गई थी, टेस्टिंग किट उस समय केंद्र सरकार को ऑर्डर कर देने चाहिए थे, पर टेस्टिंग किट नहीं ऑर्डर करे, कब ऑर्डर करे, जब स्थिति गंभीर बन गई। और आज इसकी कितनी कमी है टेस्टिंग किट्स की, और यही कारण है कि आज ये हमारा कोरोना इतना फैल रहा है।